तो बागवान जी कर रहे गमले पेंट, एकदम नए नए हो जाएंगे। और बाहर की भी जैसे बारिश में घास वगैरह हो जाती है तो बाहर भी मैं करवाती हूँ हमेशा, वो भी सफाई कर रहे हैं। पहले भी अभी पुताई वगैरह करने आए थे तो वो चाय पीते हैं, तो चलिए अब उनको चाय दे देते हैं। मैं बाहर दादी सब भी आए हैं गमले वमले देखने के लिए। जो गमले पेंट कर रहे हैं तो अंदर चौक में पड़े, वो भी मैं रखूंगी, इनको भी पेंट करा दूंगी सबको, तो ये ले जाके भी बाहर रखेंगे। तो बागवान जी कर रहे गमले पेंट, एकदम नए नए हो जाएंगे। और बाहर की भी जैसे बारिश में घास वगैरह हो जाती है तो बाहर भी मैं करवाती हूँ हमेशा, वो भी सफाई कर रहे हैं। आप सोचेंगे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत काम करके जैसे ही आई तो उन्होंने बोला अरे हम चाय पियेंगे, पहले भी अभी पुताई वगैरह करने आए थे तो वो चाय पीते हैं, तो एक बार तो सुबह पीते हैं एक बार शाम को, तो इनका तो अभी काम हो जाएगा फिर भी चाय पिए। तो मैंने कहा चलो, मैंने ये डिस्पोजल हमेशा रखती हूँ घर पर, ये देखे और भी पड़े हैं मेरे पास, कभी को किसी काम के लिए आते हैं ना उसको ऐसे बचते हैं तो उनको अच्छे से पैक करके डब्बे में डाल के रख देती हूँ। अब देखिए ये मेरे पड़े थे तो काम आ गए। ऐसे डिस्पोजल प्लेट्स भी रखती हूँ, नैपकिन और वो कई बार लकड़ी के प्लास्टिक के चम्मच वगैरह सब आते हैं ना, तो वो क्या है कि जैसे कोई सफर में भी जा रहे हैं तो अच्छे से पैक करके खाना और है ना उसके एल्युमिनियम फॉइल के अंदर डब्बे में रख के, साथ में डिस्पोजल प्लेट्स है, नैपकिन है, चम्मच, जैसे खा के और फेंक देंगे उसको और उठाना भी नहीं पड़ेगा और आराम भी रहता है खाने में, अच्छे से प्लेट वगैरह में लेके चम्मच से नैपकिन से हाथ पोंछो, वो सब एकदम से मतलब पैक करके अच्छे से डालती हूँ खाना भी मैं। तो चलिए अब उनको चाय दे देते हैं। मैं ये सब चीजें मैं इसलिए बताती हूँ, छोटी छोटी चीजें होती है हमारी गृहस्थी में काम आती है, जैसे हम लोग है ना कहीं जा रहे हैं तो आप पैकिंग करके इस तरह से खाना अगला किसी दूसरे को भी देंगे ना, तो वो जैसे डब्बा खोलेगा तो वो भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा कि भाई देखिए इसमें नैपकिन भी है, इसमें चम्मच भी है, सब कुछ अच्छे से रखा हुआ है, और उसको दुविधा भी नहीं होगी, खाने के बाद उसको फेंक भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमने घर का कोई डब्बा डाल दिया, वो सोचेंगे अरे ये तो कटोरदान है स्टील का, ये हमको देना है, या फिर क्या होता है प्लास्टिक के बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं आजकल पैकिंग के, कई चीजें आती है ना उनमें, उनको भी धो के रख लेती हूँ। यूं भी कई बार किसी को कोई चीज देनी होती है तब भी काम में आ जाते हैं। तो चलिए फिर उनको चाय दे देते हैं। चाय तो मेरी बन चुकी है, बस अब इसमें डाल के और उनको दे देती हूँ। थोड़ा सा लाइट कलर है, वो मिट्टी वाले गमले होते हैं ना उस टाइप का कलर है, तो
ये देखिए आप सारे गमले तैयार हो गए मेरे, पानी दे रही हूँ मैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। साफ़ सफाई होने के बाद कितना अच्छा लगता है। और ये तो मैं हर साल कराती हूँ क्योंकि मुझे भी सफाई बेहद पसंद है। वो तो पुताई भी हो चुकी है, जहाँ पे गंदा था सब जगह पुताई भी करवा दी, गमले भी हो गए हैं, बाहर से भी सफाई हो गई, सब सफाई हो चुकी है। काचरी, ये देखिए काचरे आते हैं ना वो छोटे वाले, एक तो बड़े आते हैं उसको खा भी सकते हैं सब्जी बनती, और एक छोटे छोटे आते हैं तो उसमें से मैंने ये लेके आई थी। राधिका गांव जाती है ना, टीचर है वो, तो वो लेके आई थी। तो ये देखिए ये छोटे छोटे हो गए, अब सूख के कैसे हो गए, ये एकदम पतली, और तो मैंने क्या उनको छील छील के और है ना उसके चिप्स जैसे ये पतले पतले निकाल दिए। पहले तो दो थाली में थे ये फैलाए, जब अब ये एक में हो गए, सूख के सिकुड़ गए। और है ना उसको छीलते समय आप जैसे काचरी बना रहे हैं, ये सूख जाएगी ना फिर इसको मिक्सी में पीस के काचरी पाउडर बनाऊंगी, तो कोई कोई सब्जी में अच्छा लगता है। तो ये आप बनाएंगे जब भी तो एक बार ध्यान रखें, काचरे कड़वे भी होते हैं तो खारे, मतलब उसको जब छीले ना तो पहले से ही जब छीलना शुरू करें छोटा सा टुकड़ा चख लें ये कड़वा तो नहीं है, फिर ही उसको छीलें, मतलब मेहनत भी लग जाएगी और फिर वो कड़वा निकलेगा। तो हम तो इसी तरह चख के और फिर बाद में बनाते हैं, तो कड़वे भी होते हैं हल्के पीले, जैसे पीले कलर ग्रीन एकदम डार्क ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, वो ज़्यादातर कड़वे निकलते हैं। तो पीले पीले होते हैं वो सही निकलते हैं, और ज़्यादा गीले गीले भी ना ले काचरी के लिए। तो ये मैंने थोड़े से बना दिए काचरी पाउडर, तो क्या हम तो जैसे मूली पालक, मूला पालक या चने की कड़ी या उस पर पर्टिकुलर दो तीन चार सब्जियों में ही पड़ती है, तो मैं तो ज़्यादा यूज़ में नहीं लेती हूँ, पर हाँ थोड़ी सी बना के रख लेते हैं। और ज़्यादा भी बनाते तो काली पड़ जाती है वो, तो थोड़ी सी मैं तो एक डब्बी में बना के शीशी में रख दूँगी, ये सूख जाएगी फिर मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ, बस अब धूप आने ही वाली है इधर, तो चौक में यहाँ पर टंकी पर रख देते हैं तो सूख जाएगी। और अभी इसके ऊपर मैं ऐसे जाली का कुछ ढक दूँगी। और यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, देखिए गमले मेरे कितने अच्छे हो गए, छोटे वाले भी गमले छोटे छोटे थे जो मेरे चौक में रखती हूँ, पुताई भी हो गई है गमले भी, तो मुझे शौक है यहाँ पे रख देती हूँ थोड़े गमले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काचरी तो मैं रख के आ गई थी बाहर धूप में, वो तो मैंने दो तीन दिन हो गए सुखा रही हूँ उसको थोड़ा, और ना छील के जैसे मैंने बताया बना सकते हैं आप। पहले तो क्या करते थे, पूरे साबुत साबुत काचरे होते हैं ना उनको छील लेते थे और छील के चख लेते थोड़ा सा, फिर छील छील के क्या करते थे बड़ी वाली सुई में धागा पिरो के और उनके अंदर ऐसे ऐसे पिरोते जाते एक माला बना देते थे काचरे की, और फिर चौक में कहीं कील पे कहीं टांग देते थे, वो सूखती रहती थी धूप में पड़ी पड़ी, पर वो क्या अंदर से जैसे गीला होता है ना बीज होते, तो बहुत दिनों से सूखती थी। तो अब मैंने क्या है उसको, मैंने उपाय निकाला है, मैं काचरों को स्लाइस कर देती हूँ, पतला पतला काट लेती हूँ और उसको थाली में ऐसे फैला देती हूँ, वैसे ज़्यादा है दो तीन थाली में फैला के रख देते हैं, और फिर जब वो सूख जाते हैं धीरे धीरे उसको पलट उलटते पलटते रहते ताकि नीचे से भी सूख जाए, और फिर उसको है ना पीस बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं ना, फिर उसको मिक्सी में पीस लेते हैं तो जल्दी भी सूखते हैं, वो पतले होते हैं ना वो काटने से। तो अब यहाँ पे वो तो हमारा काम हो गया, थोड़ी सी चाहिए होती है काचरी, तो कोई ज़्यादा चीज़ में खटाई के काम नहीं आती है। और ये देखिए फिर से है ना मैं नींबू, आप सोचेंगे नींबू क्यों कर रही हूँ, पहले मैं दो बार नींबू का अचार डाल चुकी हूँ, वो हमारे पेड़ से उतरे थे, अब पेड़ पे तो खत्म हो गए हैं, और बारहमासी है हमारा पेड़ तो बारहमासी नींबू उगते हैं मतलब साल भर, तो अब सर्दियों में फिर फूल आएंगे फिर उगेंगे। और जब तक मैंने बाजार से अभी इसके अर्जुन गया था कल सब्जी लेने, तो उससे मैंने थोड़े नींबू मंगाए, अभी सबको नींबू का अचार पसंद आ रहा है, मैं भी खाती हूँ रद्दी का भी खाती है और भी किसी को रिश्तेदार को भी दिया मैंने, तो है ना यूँ करके मेरे नींबू का अचार थोड़ा सा अब थोड़ा बचा है, तो मैंने फिर से मैंने कहा अब नमक में डाल के और इनको डाल देती हूँ, तो ये गल जाएंगे थोड़े, फिर इसमें मसाला डाल देंगे। नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है जैसे दाल के साथ पराठे के साथ, और बहुत ही मेरे को तो पसंद है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कैरी का पसंद होता है, किसी को गूंदे का, किसी को कैर का, किसी को नींबू का, और वैसे भी गाजर का मौसम होगा आएगा सर्दी में थोड़ी गाजर डाल देती हूँ, मिर्ची डाल देती हूँ, नींबू के साथ भी डाल सकते हैं, पर ये तो मैंने अभी खाली ही डाले थे वही इतने अच्छे लगे। अब देखिए तीसरी बार डल रहा है, थोड़ा थोड़ा अचार डाल देते हैं, तो नींबू को बिल्कुल धो के अच्छे से सुखा लें, उसको कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर पंखे में रख दें,
गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने ऐसे काट लिया और अब इस पे नमक मिक्स कर दिया, या तो शीशी में डाल के नमक डाल के हिला ले, नहीं तो ऐसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके। और अब इसमें क्या है, जब अचार बनाएंगे ना नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने पूरा नमक इसमें डाल दिया है तो खटाई के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और नमक और खटाई और सब मिक्स होके और जब हल्का पीले पीले से इसका रंग चेंज हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है, ये तो पीला है अभी, तब आप समझ जाएं कि नींबू हमारा तैयार हो गया है। तब उसमें थोड़ा सा तेल और मसाला जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ये देखिए नमक में मिक्स करके मैं शीशी में भर के रख दूंगी। 8-9 दिन लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और यदि धूप में रखेंगे तो जल्दी हो जाते हैं, मैं तो अंदर ही रखे रहते हैं उस पर ही हो जाते हैं। तो बस अब इसको 8-9 दिन के लिए रख देंगे, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, बीच बीच में ऊपर नीचे करते रहेंगे इसको, मतलब हाथ से नहीं शीशी को हिला देंगे। अभी ये फुल है ना, जैसे जैसे ये नींबू थोड़े से गल लेंगे थोड़े नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम इसको हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए अब शीशी में भर दिया, काम खत्म। 8-9 दिन में थोड़ा थोड़ा हिलाने के बाद नींबू तैयार हो जाएंगे। फावड़ा लेके जाऊँ, हमारे फावड़ा घीची सब चीजें रखते हैं औजार। तो ये उनको दिया था, बादशाह को साफ करी, जो इसको धोके सर से फिर अंदर रखते हैं। तो बाहर दादी सब आए हैं गमले वमले देखने के लिए। दादी सा को तो नाश्ता करवा दिया, बाहर गई। बाहर क्या, कल वो सफाई करी फावड़े और रख के गए, तो मेरे को याद है मैं इसको धोके रखती हूँ। हम ऊपर फावड़ा गेती वगैरह सारी चीजें रखते हैं हम, तो वो उसको दे देते हैं तो सफाई। तो वो मैंने कहा लेके आती हूँ, तो दादी सा ने बोला मुझे देखना है बाहर कैसे कलर हुआ है गमले कैसे, तो उनको भी बाहर लेके दिखाया। वो सब ला के मैंने धो धुपा के रख दिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके पापा के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे बेसन पकोड़े बनाए थे, तो ये घोल पड़ा है थोड़ा, तो इसमें मिर्ची वगैरह सब है, धनिया थोड़ा मैंने मसाला नमक मिर्ची और डाल दी इसमें, इसमें सभी अजवाइन वगैरह डाला हुआ है। बेसन का घोल है ये, थोड़ा हल्का सा पतला कर लिया। एक मैंने चपाती बेल ली, यानी रोटी बेल रही है, एक लोई लेके रोटी को बेल लिया। अब इसमें मैं हल्का सा घी लगा दूंगी, ताकि क्या है कि वो चीटा नहीं रहे, सॉफ्ट बनेगा। तो इसको आप फैला देंगे हम घी को, ये इस तरह से मैंने फैला दिया, और थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी इसके ऊपर। तो इसको ऐसे रोल कर लिया घी लगा के, और बाटिया वगैरह बनाते ना जिस तरह से हम, और फिर से बस इसको ऐसे गोल गोल करके, और हम इसको वापस से मैं रोटी बेल लूँगी इसके। इससे क्या थोड़ा घी लगाना से थोड़ा जब हम इसको करेंगे ना तब सॉफ्ट रहेंगे। ऐसे तो आप रोटी बना के भी उस पर ये लगा सकते हैं बेसन, पर थोड़ा सा ये सॉफ्ट जैसे बड़े बूढ़ों के और बना रहे हैं तो थोड़ा सा घी लगा के और इस तरह से। अब ये रोटी मैं जैसे आपके पास ठंडी रोटी कोई पड़ी है ना, जैसे रात की भी रोटी हम फ्रिज में रख देते हैं कई बार बच जाती है, उसके ऊपर भी ये बेसन का घोल लगा के आप सेक के और उसको भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं तो वैसे ताजी रोटी का बना लेती हूँ, सबको खिलाती हूँ, इसके पापा और दादी सा को। आप चाहे तो वैसे चपाती जो लेफ्ट ओवर चपाती बोलते हैं उसका भी बना सकते हैं। तवे गर्म हो गया है तो चपाती मैंने डाल दी घी लगा के, और मैंने ऐसे बेल दिया था। अब नीचे की साइड से वो थोड़ा सिक जाएगा, वो कच्चा नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना आंटी आपने कच्चे पे लगा दिया, कच्चे पे नहीं, थोड़ा सिक जाएगा। जैसे जब हम मूंग दाल को पीस के उसका मिक्सचर बनाते हैं ना बड़े के लिए, दूसरे दिन बच गया है उसको भी हल्का सा पतला करके थोड़े और मसाले चाहे तो मिला सकते हैं, पालक धनिया मिर्ची सब मिला हुआ होता है, उसके मिश्रण से भी मैं ये बेड़ा पूड़ी बोलते हैं वो बनाती हूँ। तो सेम इसी तरह से जैसे अब ये चपाती बेल ली बेसन के घोल से, अब ये देखिए नीचे से थोड़ी सिक गई है ना हमारी चपाती, ये देखिए ये कच्ची नहीं है, ये सिक चुकी है नीचे से। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, आप जिसको अगर लगे तो थोड़ा सा और भी ऐसे सेक सकते हैं हल्का सा। तो ये सेक लिया हमने इसको, अब इसको पलट देंगे। अब ये सिकी हुई है, अब इसके ऊपर मैं घोल लगाऊंगी, जैसे ये सिकी हुई चपाती है ना, अब ये जो बेसन का घोल है हमारा ये इसके ऊपर लगा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसको, अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। और सेम इसी तरह दाल होती है जो मूंग दाल का मिक्सचर होता है ना, और यदि आप हेल्दी करना चाहें तो धुली भी मूंग दाल ले लें, छिलके वाली भी लेके बना सकते हैं, नाश्ते में उपयोग में ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया और चारों तरफ अच्छे से फैला दिया। अब 2 मिनट तक हम इसको तवे पे रखेंगे, आज को मैं मीडियम पे कर दूंगी ताकि नीचे की रोटी हमारी जले नहीं, और थोड़ा सा घी इसके आजू बाजू डाल देंगे हम, ऑयल भी डाल सकते हैं यदि किसी को ऑयल में बनानी हो तो। अब वापस से तेज करेंगे। काम करते करते फ्रूट वाले आ गए थे तो उनसे फ्रूट ले लेते, अच्छा लाते हैं ये, बल्कि जब कई बार हम दुकान से लाते हैं ना उससे भी अच्छे फ्रूट, और खूब सारा ठेला पड़ा होता तो छांट के ले लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेसन वगैरह सब सिक गया पराठा की। तो बस इसको निकाल लेंगे, ये तैयार हो गया। और आप चाहे तो नीचे से जैसे मैंने कुरकुरा सेका है थोड़ा कम भी सेक सकते हैं, बिल्कुल रेडी हो गया। और खाने में टेस्टी लगता है, धनिया की चटनी सॉस
या कोई अचार किसके भी साथ खा सकते, खास करके धनिया पुदीने की चटनी हो तो उसके साथ तो ज्यादा अच्छा लगता है। बस अभी तो काम काज चल रहा है, अभी अंतिम चरण में पहुंच गई है, सफाइयां वगैरह भी सब, और घर के भी और भी काम चल रहे हैं। नाश्ता बन गया है तो बन गया हमारा पराठा बेसन वाला, तो ठंडा नहीं हो जाए, फटाफट से गर्म खा लेते हैं और इसके पापा को भी खिला देते हैं। और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खमागणी।